आजादी की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का मुरब्बा, जिसे आम का मीठा अचार भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है आम का मुरब्बा। आम का मुरब्बा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 किलो कच्चे आम। सबसे पहले हमें आम के छिलके उतारने हैं। उसके लिए इसको एक साइड से इस तरीके से चाकू की सहायता से काटना शुरू करें और इसका छिलका उतारते जाएं। मुरब्बा बनाने के लिए अगर बिना रेशे वाले आम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे मुरब्बा ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन अगर नहीं मिल सकते हैं तो आप रेशे पड़ने के बाद भी आम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना रेशे के आम का इस्तेमाल करेंगे तो पीस अच्छे निकलेंगे। इस तरीके से मैंने आम का पूरा छिलका उतार लिया है और अब हमें इसके बड़े बड़े टुकड़े काटने हैं। तो इस तरीके से आप एक टुकड़े के इतने बड़े साइज के आप टुकड़े इसके काटते जाएं। आप देख सकते हैं कि ये आम में बिल्कुल भी रेशे नहीं है। तो इस तरीके के आम से मुरब्बा ज़्यादा अच्छा बनता है। छोटे बड़े आप टुकड़े काटते जाएं, उसमें कोई साइज़ का ये नहीं है कि आपको एक ही साइज़ के काटने हैं। इस तरीके से मैंने निकाल लिया। इस तरह से इसके पूरा गुदा निकल चुका है। बाकी आम को भी मैं काट के तैयार कर लेती हूँ। सारे आम हमने काट के धो के तैयार करके रख लिए हैं। देख सकते हैं आप कि हमने मोटे मोटे पीस काटे हैं, लेकिन थोड़े छोटे पीस भी बीच बीच में आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। जब मुरब्बा पकता है तो सारे उसके साथ ही पक जाते हैं। और 2 किलो आम के लिए हमने 1.5 किलो चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 किलो आम के लिए आपको 1.5 किलो चीनी तो लेनी ही होगी। अब एक मोटे तले का गहरा बर्तन हमें लेना होगा। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है और इसमें ये आम के सारे कटे हुए टुकड़े मैं डाल रही हूँ। बर्तन इतना बड़ा और इतना गहरा होना चाहिए कि सारे टुकड़े आसानी से उसके अंदर आ जाएं। और अब ये जो सारी शक्कर हमने ली है वो भी हमें इसमें डाल दी है। मैंने सारी चीनी भी डाल दी इसमें। और अब हमें इसमें डालना है 1 गिलास पानी। सिर्फ 1 गिलास पानी हम इसमें डालेंगे। अगर आप नाप के डालना चाहते हैं तो करीब आप 250 ml पानी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इस आम और चीनी के मिश्रण को मैंने बहुत धीमी आंच पे गैस पे चढ़ा दिया है पकने के लिए और ये चीनी धीमे धीमे मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें आंच बिल्कुल तेज नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। करीब 10-12 मिनट मैंने इसे धीमी धीमी आंच पे पकाया है और आप देख सकते हैं कि चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और हमने सिर्फ 1 गिलास पानी इसमें डाला था। और आप देखिए, चीनी मेल्ट हो चुकी है, आम अपना रस छोड़ने लगा है, तो इसके अंदर कितना पानी हो चुका है। तो इतने ही पानी में ये मुरब्बा पकेगा। आज को अब हम थोड़ी सी तेज कर सकते हैं और एक बार इसमें उबाल आ जाए तो उसके बाद हम इसे करीब 15 मिनट आज हम इसे पकाएंगे। और आम का मुरब्बा जितने आराम से पकाएंगे उतना ही अच्छा पकेगा। तो हम इसे 3 से 4 स्टेजेस में पकाएंगे। अगर हम एक ही बार में मुरब्बा बनाने की कोशिश करेंगे तो आम के पीसेस जो हैं वो खट्टे रह जाएंगे, चीनी अंदर तक नहीं जाएगी। तो आज हम इसे 10-15 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसे बंद करके फिर वेट करेंगे हम 10 से 12 घंटे। तो अगर हमने सुबह पकाया है, जैसे मैं आज सुबह पका रही हूँ, तो अगली कुकिंग मैं इसकी शाम को करूँगी। इसे थोड़ी तेज आंच पे पकाते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। तो 2-3 मिनट में इसे और पकाऊँगी, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। इस वक्त 2-3 मिनट हो चुके हैं, मैंने थोड़ा सा इसे और पका लिया है और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। और इस वक्त अब हमें इसकी कुकिंग स्टॉप करनी है। आज पहले स्टेज की कुकिंग इसकी हो चुकी है और अब मैं 10 से 12 घंटे का इसमें वेट करूँगी। इसकी कुकिंग को स्टॉप करने के लिए एक थाली में थोड़ा सा पानी डाल लें, जिससे कि इसका तला थोड़ा सा उसमें डूब जाए इस तरीके से। और कुकर का ढक्कन, जिसका सीटी पहले से निकाल के रखनी होगी आपको, सीटी निकाल के इसका ढक्कन लगा के इसे कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए रख दें। अगर आप रात को कुकिंग कर रहे हैं तो ओवरनाइट रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह से पकाइए। मुरब्बे में हमें जो मसाला डालना है वो इस प्रकार है।
इसका प्रोपोर्शन आप ध्यान रखिएगा, मैं डालती जा रही हूँ। हमें चाहिए 4 चम्मच सौंफ, मैं चम्मच भर भर के डाल रही हूँ। आप देखिए 1, 2 एंड 4, 4 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाली है। और जितनी मैंने सौंफ डाली है उतना ही मैं इसमें जीरा डालूंगी, तो 4 चम्मच इसमें जीरा पड़ जाएगा। और ये दो मसाले हमें भूनने हैं, तो इसे हम अभी भून लेंगे। और हमें चाहिए 2 चम्मच भर के नमक। लाल मिर्च पाउडर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और हमें चाहिए लगभग 20 से 25 इलायची के दाने। सौंफ और जीरे को मैंने भून लिया है और इसे पीसने के लिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और इसी के साथ साथ मैं इसमें इलायची के दाने भी डाल देती हूँ और इस मसाले को हम पीस के तैयार कर लेते हैं। जीरा, सौंफ और इलायची का मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है। लगभग 10-12 घंटे हमने इसे चीनी पानी के अंदर पड़े रहने दिया है, हल्का सा उबाल देके। और इसके बाद अब मैंने इसे फिर से आंच पे चढ़ाया है पकने के लिए। और अगर हम इसे इतनी देर के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आम के पीसेस खट्टे रह जाएंगे, तो अब हमने इतनी देर इसे छोड़ दिया है तो आम के अंदर चीनी की मिठास आ जाती है। और अब हमने इसे फिर से पकने चढ़ाया है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी नमक, लाल मिर्च का पाउडर और जो मसाला मैंने इसके लिए पीस के तैयार किया था वो भी सारा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। मैंने सारा मसाला भी इसमें डाल दिया और इसे एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि इसका रस कितना पतला है। और अब हमें धीरे धीरे पकाना है और अभी हम इसे तेज आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं आँच को धीमी कर दूँगी और करीब 15 मिनट में इसे फिर पकाने के बाद एक बार फिर इसकी कुकिंग को स्टॉप करूँगी। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि मुरब्बे को बहुत धीरे धीरे पकाया जाता है कई स्टेजेस में, तो अब हम सेकेंड स्टेज की कुकिंग इसकी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस पे बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब मैं आंच को थोड़ी सी धीमी कर देती हूँ और धीमी आंच पे इसे करीब 15 मिनट में और पकाऊंगी। अब इसे धीमी आँच पर पकाते हुए मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं और इसे बहुत ही हल्के हाथों से पीपी पे चलाएं। बहुत ज़्यादा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना आम की पीसेस इस वक्त बहुत नाजुक है, वो टूट सकते हैं। तो बहुत हल्का हल्का सा पीपी पे चलाना पड़ता है इसे। और अब मैं इसको फिर से एक बार बंद कर देती हूँ। एक बार फिर से हमें इसकी कुकिंग स्टॉप करनी है, इसलिए एक थाली जिसमें मैंने पानी भर के रखा है उसमें मैं इसे रख ली हूँ और इसका ढक्कन जिसकी मैंने सीटी निकाल के रखी है उसे इसके ऊपर लगा दूँगी। और अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता। लगभग 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं और ये थोड़ा ठंडा हो गया है। पूरा ठंडा तो अभी नहीं हुआ है, अभी भी हल्का गुनगुना है। और हमने इसे एक बार फिर से पकने के लिए चढ़ा दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। और आप चाहें तो इस बार इसकी फाइनल कुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे एक बार और पकाऊँगी बंद करने के बाद, क्योंकि जितने आराम आराम से पकता है मुरब्बा उतना ही रस भरा और अच्छा बनता है। तो मैं इसे करीब 10-12 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसे बंद कर दूंगी। इसको दोबारा पकाते हुए भी मुझे 10-12 मिनट हो गए हैं धीमी धीमी आंच पे और आप देख सकते हैं कि अब इसका रस गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो एक बार फिर मैं इसे बंद करती हूँ और आधा पौन घंटे के बाद मैं इसे फिर से पकाऊंगी। तो थोड़ा सा इसे ठंडा होने देती हूँ और उसके बाद इसकी फाइनल कुकिंग करेंगे। तो इस बार फिर पहले की तरह हम इसे नीचे से कुकिंग स्टॉप करने के लिए ठंडे पानी में रख देंगे। और इस बार हमें कुकर का लिड नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम लिड लगाएंगे तो इसकी भाप फिर इसके अंदर जाएगी और रस पतला हो जाएगा। और अब हम नहीं चाहते कि इसका रस पतला हो। आधा पौन घंटे के बाद हमें ये देखना है कि कितना गाढ़ा हुआ है। तो ऐसे में आप किसी कपड़े से, दुपट्टे से या जाली से ढक दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसे एक जाली से ढक दिया है ताकि इसमें से जो स्टीम और एयर है वो बाहर निकल जाए। अब इसका ये जाली वाला ढक्कन मैं हटा रही हूँ और इसे अब हम चला के देखेंगे कि ये कितना गाढ़ा हुआ है। ये आपको काफ़ी गाढ़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर हमें इसे लंबे समय तक प्रिजर्व रखना है तो हमें थोड़ा इसे और पकाना पड़ेगा और इस चाशनी को और गाढ़ा करना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम फिर से पकने रख देते हैं
आंच को धीमी रखेंगे और इसे हम पकाएंगे। एक बार फिर से मैंने इसे धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया है और अब हमें इसे फाइनल कुकिंग करनी है इसकी। तो अब हम तब तक पकाएंगे जब तक हमें ये जो इसका जो शुगर सिरप है या चाशनी है जितनी हमें चाहिए उतनी गाढ़ी ना हो जाए। तो अब हमें इसे बहुत ध्यान से पकाना होगा और नीचे बिल्कुल तली पे थोड़ा चलाना भी पड़ेगा ताकि नीचे ये चिपक ना जाए। अब ये रस दोबारा से पकना शुरू हो गया है और इसमें बुलबुले आने लगे हैं और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से ये रस काफ़ी पतला होने लगा है क्योंकि हमने इसे पकाना शुरू करा है तो रस फिर से पतला होने लगा। और अब हमें इसे लगातार पकाना है जब तक ये अच्छा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसकी चाशनी काफ़ी थिक होने लगी है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत उछल रहा है और इसे मैं चलाऊंगी तो अभी थोड़ा सा हैवी हो रहा है चलाने में। बस 5 मिनट की कसर रह गई है इसे बनने में। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए थोड़े से रस को प्लेट में डालें और थोड़ा सा ठंडे होने का वेट करें और उसके बाद इसको ज़रा सा उठा के देखते हैं ये चिपचिपा हुआ कि नहीं। और ये काफ़ी चिपचिपा हो गया है, बस ज़रा सा होने वाला है, 3-4 मिनट में जो और पकाना पड़ेगा उसके बाद आपकी चाशनी तैयार है। आप देख सकते हैं वैसे नज़र आ रहा है कि ये कितना गाढ़ा हो गया है और आम के पीसेस पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए सब पक चुके हैं अच्छी तरह से, बस ठीक हो गया है, इसे 3-4 मिनट और पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मुरब्बा पूरी तरह से पक चुका है और अगर जब मुरब्बा पक जाता है तो आप ध्यान रखिए इसके बर्तन पर, आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा सा किनार छोड़ने लगा है और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये पूरी तरह से ये जैम की तरह निकल आएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये कॉर्नर से छोड़ने लगा है। इसका दूसरा टेस्ट करने के लिए आप जैसे कि मैंने पहले बताया इसको थोड़ा सा एक बर्तन पर डाल के देखिए और ज़रा सा ठंडा हो जाइए तो इसे थोड़ा सा हाथों से ये देखिए चिपचिपा होने लगता है, ये इसमें तार बनने शुरू हो गई। देखिए चाशनी में ये स्टिकी होने लगा है तो इसका मतलब हमारा मुरब्बा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। बर्तन के भी किनारे छोड़ रहा है और चाशनी भी चिपचिपी हो गई है तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब मैंने एक बार फिर से इसको एक थाली जिसमें पानी भरा उस पर रख दिया है और अब मैं इसमें एक साफ़ कपड़ा ढक रही हूँ। आप चाहें तो जाली से भी ढक सकते हैं या कपड़े से ढक दें क्योंकि अब हमें इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक वेट करना है। करीब आप 6-7 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, चाहे ओवरनाइट छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे किसी मर्तबान में रख के स्टोर कर लेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और मैं इसका ये कपड़ा हटा रही हूँ और अब मैं इसे चला के देखूँगी कि ये चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट मुरब्बा तैयार हो चुका है, ये देखिए कितनी गाढ़ी इसकी चाशनी हो चुकी है। मुरब्बा इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ये देखिए ये कितनी गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको एक कटोरी में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसके पीसेस जो है ये कितनी अच्छी तरह से पक गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये इसलिए है क्योंकि हमने इसको अलग अलग स्टेजेस में पकाया है। अगर हम एक साथ पहले ही दिन लगातार पका देते तो ये पीसेस कड़े कड़े हो जाते हैं और चाशनी इसके अंदर नहीं जाती और ये अंदर से खट्टे रह जाते हैं। तो अभी ये पूरी तरह से पक गए हैं, अब हम इसे एक एयर टाइट मर्तबान में खाली कर लेंगे और इसे हवा और मॉइस्चर से बचा के रखेंगे तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो जब आपको खाना हो तो एक छोटी शीशी या कटोरी में निकाल लें और जिस बड़े मर्तबान में आप रखते हैं उसे आप मॉइस्चर से बचा के रखिए। तो लीजिए तैयार है बहुत स्वादिष्ट आम का खट्टा मीठा मुरब्बा यानी कि मीठा अचार। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का व्यंजन आप सभी को पसंद आया होगा और आप भी इसे अपने घर में अवश्य बनाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो आप हमारा चैनल व्यंजन भारती सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। हमारी सभी रेसिपीज हमारी वेबसाइट www.व्यंजनभारती.com पर भी उपलब्ध है। तो अगली कड़ी में एक नए भारतीय व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।